जाओ ना तुम तुम चलो बाकी लोग ही मानो तो कहां गया बहुत ओके 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 राज हां गरम ही है अरे यार ये सर ले लिए हमारे सच में क्या बुला रखा है हां जी अंकल जी कोई प्रॉब्लम है क्या बना ना वही तू ओलेर का फ्रेम अच्छा तुम्हारा तो हां सर थोड़ा पीछे भी देख लेना अगर आपका हो गया तो हमें बताइए आपसे बात करिएगा आप भी पत्रकार हैं जो आप भी कर दीजिए आपने ये बहुत ही ऐतिहासिक चित्र है भैया मोबाइल ये तो एक फिर हमें क्या करना पड़ेगा आज सुबह मैं से और से जिस तरह से के साथ में लंबी लड़ाई शुरू की और जित इस लड़ाई के दौरान पूरे देश में नहीं पूरे विश्व क्रिकेट साथ के आंसू भी देखे जब चैनल वाले को अच्छा कैसे जवाब देता हूँ वहाँ पे सर 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 और एक रिश्ता है उनका महाराष्ट्र के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश के साथ पचास या सौ तक हम सीटे यहाँ लड़ेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में और कोशिश भी हमारी रहेगी कि इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शिवसेना के विधायक गठबंधन महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस चाहती है तो हम बात करें सर आपको अगर कांग्रेस चाहती है तो हम बात करें अच्छा आज भी सवाल मुख्यमंत्री आप किसे देखना पसंद करेंगे मुख्यमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे आप जिसके लीडरशिप में सब लोग काम करते मुझे लगता है कि चुनाव हो जाने दो लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ दावे के उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है और चाहे ओपिनियन पोल कुछ भी बताए ओपिनियन पोल की बातें या अफवाह परिवर्तन होने जा रहा है सर आपको किसानों का आशीर्वाद चाहिए लेकिन योगी जी को भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए वो अयोध्या से लड़ने वाले हैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जा रहे हैं राम जी का किसानों को आशीर्वाद नहीं है क्या राम जी का आंदोलन में किसान नहीं मरे क्या हमारे महाराष्ट्र से कितने किसान यहाँ आए थे उत्तर प्रदेश से कितने किसान कर सेवक बनकर वहाँ गए थे और शहीद हो गए आप क्या बात करते लेकिन गोरखपुर सीट छोड़कर उन्होंने अयोध्या चुना है इस बार देखिए चाहे कोई अयोध्या में लड़े चाहे मथुरा में लड़े और यूपी चुनाव में क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा यूपी चुनाव जल्दी आपके सामने आ जाए जल्दी आ जाए नहीं उद्धव जी की और राकेश जी की जो बात हुई क्या बात हुई दोनों में एक तो जो बात बंद कमरे में हुई फोन पे बंद जो बात बंद कमरे में हुई दो नेताओं की और तीसरा मैं था तो आपके सामने मैं क्यों बताऊँ टिकेट जी क्या बात हो गई आपने वहाँ पे उनकी क्या पॉलिसी है
उन्होंने कहा कि आप यहाँ की किसानों की क्या पॉलिसी है हमारी, वो पूरी पॉलिसी हमारी देखो उसके बारे में बताओ। जैसे बहुत से अपने हम बंगाल गए तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने हमको पूरा अपना पूरी पॉलिसी का चार्ट हमको दिया, तो द्रविड़ ने भी यही कहा कि आप आओ क्या क्या पॉलिसी हमारी चल रही है, ये पॉलिसी पूरे देश में चल रही है। तो चुनाव से पहले सिर्फ पॉलिसी पे बात हो गई, चुनाव से संबंध ये तो आए और उनका बहुत दिन से प्रोग्राम यहाँ पे था कि हम एक बार आएंगे और आपने आंदोलन जो कराए उसके संबंध में आप आए। चुनाव पॉलिटिकल पार्टी है, सबको अपना काम करना चाहिए। आपका सपोर्ट नहीं, नहीं नहीं हमारा किसी को कोई सपोर्ट नहीं है ना, हमारा चुनाव से वो है, ये तो चुनाव तो जिनको लड़ना है वो लड़ते रहते हैं, बहुत वो लड़ रहे हैं ये भी। लेकिन यह है कि जो किसान के मुद्दे पे भाई जहाँ पे इनकी सरकार है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब मिलेंगे और वहाँ पे क्या और बेहतर हो सकता है, कोई यहाँ की पॉलिसी अगर ठीक होगी तो वहाँ बताएंगे, वहाँ की पॉलिसी ठीक होगी तो यहाँ की सरकार को हम बताएंगे और हम हर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो हम सबसे मिलते हैं। अगर एक जगह की पॉलिसी ठीक होती है तो दूसरी जगह हम बताते हैं। हमने तो बताया कि उत्तर प्रदेश की पॉलिसी और हरियाणा की पॉलिसी ठीक है, वहाँ पे उनकी सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, तो क्या बिजली के रेट उत्तर प्रदेश से हरियाणा में कम है? वहाँ 15 रुपये हाफ पावर है जी और यहाँ 175 है। हम तो कह रहे हैं कि बिजली के रेट हमारे खट्टर जी मुख्यमंत्री है हरियाणा के बराबर कर दो, तो हम तो धन्यवाद देते हैं यहाँ की सरकार का। जिसकी भी कोई पॉलिसी ठीक है हमें कोई गुरेज नहीं करने में, हम जाएंगे हर मुख्यमंत्री से देश के मिलेंगे। और पॉलिटिकल पार्टियों का काम है इलेक्शन लड़ने का और नॉन पॉलिटिकल का काम है, हमारा काम है मूवमेंट करने का। हम जाएंगे और संजय जी का धन्यवाद हम करते हैं और शिवसेना का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें आया और हमेशा दिल्ली के आंदोलन को पूरी सरकार का सपोर्ट रहा है, महाराष्ट्र सरकार का हमेशा सपोर्ट दिल्ली के आंदोलन को रहा है। हम लोग यहाँ आए ये उद्धव जी के आदेश से ही यहाँ आए, उद्धव जी आ जाएंगे हमारा काम चल रहा है। इसके साथ का एजेंडा राजनीति का है आपको और हम उनको आग्रह भी नहीं करें। लेकिन आपका तो एजेंडा राजनीति का है सर। जी हाँ हमारा जन्म भी राजनीति में हुआ है तो हम राजनीति करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या राजनीति राजनीति घुस पा नहीं सकते? सबसे बड़े राज्य के चुनाव हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है विश्वसनीयता के साथ चुनाव। एक मांग उठती है चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, आप किसे सपोर्ट करें? बैलेट पेपर से। तो बात ये जनता ईवीएम से होगा कि जनता की मांग है कि बैलेट पेपर से लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, बड़े नेता हैं क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने बहुत कोशिश की, हम चुनाव आयोग तक हमारा डिमांडेशन दिया कि कैसे मशीन में गड़बड़ी होती है और आपको मालूम है ये मशीन में गड़बड़ी होती है ये रिसर्च हमने नहीं किया था, ये रिसर्च बीजेपी के नेताओं ने किया था, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी मुंबई में किरीट सोमया बड़े बड़े वहाँ उनके मशहूर जो लोग ये लोगों ने सबसे पहले ये रिसर्च किया था, संशोधन किया था, ये मशीन ठीक नहीं है, मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, मशीन सेट होती है। सर आप यहाँ पे 50 या 100 सीटें लड़ने वाले हो, योगी जी के खिलाफ आप कैंडिडेट दोगे क्या? देखिए किसी के खिलाफ या समर्थन की बात नहीं है, मैं हमारा चुनाव लड़ने आया तो मैं आपका चुनाव तो बीजेपी के खिलाफ ऐसा है क्या? कोई संविधान में लिखा है क्या किसी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देना चाहिए? तो आप दोगे? हम अयोध्या में लड़ेंगे, ये महाराष्ट्र हैदराबाद का है, उन्हें आप बीजेपी की बी टीम बताते हैं, ये महाराष्ट्र का है, ये कौन सी टीम? अब मैं नहीं बोला हमें पॉलिटिकल यहाँ पे ये धन्यवाद कर रहे हैं, हमने इनका धन्यवाद करा कि दिल्ली के आंदोलन को महाराष्ट्र सरकार का सपोर्ट रहा है और जब जब भी यहाँ पे हमने बंद किया है तो महाराष्ट्र में बंद हुआ है, चाहे वो संगठन के लोग या हमारे संगठन के लोग खड़े हैं, संगठन के लोग हैं वहाँ पे लोग हैं और हमने बहुत मीटिंग वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म है वो शिवसेना के बाद, शिवसेना को 55 साल हुए और 55 साल से शिवसेना राजनीति में पूरी चाहे हम चुनाव लड़ने जाते हैं, चाहे
आई हम चुनाव हार जाते हैं, इनके नाम हमारी जो आइडियोलॉजी अच्छा हिंदुत्व की राजनीति काम करेगी और आप देखा जा रहा है हिंदुत्व की राजनीति जो आपकी छवि के साथ दूर हो गए। आपको आपको किसने कहा है दिख रहा है कांग्रेस के साथ आने के बाद आरोप राहुल गांधी राहुल गांधी भी हिंदू और हिंदुत्व की बात करने लगे हमारा प्रभाव है ना संजय जी अगर कोई भी बड़ी पार्टी थी क्या आपको टिकट देती है क्या नहीं लगना चाहिए नहीं साहब बहुत बड़े नेता है देश के किसानों की आवाज है। जब टिके साहब यहाँ लड़ रहे थे तो पूरे विश्व के किसान संगठन उनके तरफ थे। मैं तो कहूँगा उनको यूनो में जाना चाहिए विश्व के किसानों की आवाज। देख टिके साहब ने अपनी कुछ प्रतिनिधि संसद में ये चाहिए। लेकिन राकेश जी आपको एक सवाल है अगर शिवसेना यहाँ पे उम्मीदवार खड़ी करती है तो क्या किसान संगठन या किसान उनको सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं हम भी नहीं समर्थन मांग, पूरा नॉन पॉलिटिकल है और हमारे से कोई समर्थन मांग भी नहीं रहा हम कभी नहीं। देखो नॉन पॉलिटिकल है पॉलिटिकल पार्टी से हमारे संबंध रहे हम अपनी बात वहाँ पे कह सकते हो। हम पूर्ण रूप से सबको एक समान देखते हैं कि हम किसी भी मुख्यमंत्री से कभी भी नॉन पॉलिटिकल बैनर पर जाके मिल सके। संजय जी ने तो कह दिया कि आपको कहीं ना कहीं जाना चाहिए आपको। ठीक है इनका धन्यवाद है। मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं देश के किसानों की आवाज है विश्व के किसान उनके तरफ देख रहे थे कभी जाकर टिके साहब ने किसानों के बारे में हिनों में भाषण देना चाहिए कि क्या किसानों की हालत है। राव साहब जो आउटगोइंग चल रहा है बीजेपी के साथ छोड़ दीजिए जीतने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान और हंसी मुस्कुराहट और आंसू भी होते हैं। देश के किसान और देश की जनता को उससे बहुत उम्मीद रखते हैं। यही मैं कहने के लिए आया कि लड़ाई अब खत्म नहीं है। ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं है लेकिन टिकट साहब को मैं पहचानता हूँ उनका आंदोलन को पहचानता हूँ किसी राजनीतिक मंच के साथ उनका कोई अभी जब हम ऊपर बात कर रहे थे बैठे थे समझ रहा था सब तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख ने टिकट साहब से फोन पर लंबी बातचीत की दोनों में चर्चा भी हो गई और ये चर्चा सिर्फ किसानों के बारे हम कभी ये नहीं कहेंगे टिके साहब को कि आप राजनीतिक मंच पर आए लेकिन इस देश की राजनीति जो वो किसान के समर्थन के बिना नहीं चलेगी। इस देश का किसान तय करता है गद्दी पर कौन बैठे लेकिन जो बैठते हैं वो सबसे पहले किसान को पूर्ण याद करते हैं। इसीलिए तो लगभग 2 साल तक दिल्ली के सड़क पर पूरे देश में आंदोलन चलता रहा किसानों का बलिदान हुआ किसानों को चल दिया और अब तक की लड़ाई जारी। इसीलिए एक योद्धा को इस लड़ाई के महान योद्धा को नमन करने मैं शिवसेना की तरफ से आया था उद्धव जी के महाराष्ट्र में आपकी सरकार है आपने तो किसानों को नहीं कुछ लाया गद्दी में बैठने के बाद आपने क्या आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ है किसानों का ऋण माफ किया है आते ही किसानों का ऋण माफ किया ना आपके पास जानकारी बहुत कम है। सबसे पहले जो हमारा वादा था किसान को ऋण मुक्त करने का वो निर्णय उद्धव ठाकरे साहब ने पहले 2 महीने में लिया और बहुत सी बातें करने जा रहे थे कोविड का संकट चल रहा है अभी वापस ये पूरा काम चल रहा है लेकिन 2 महीने में हमने किसानों का ऋण मुक्त करने का काम सर उद्धव जी ने आज संजय जी से बात की है उद्धव जी ने बात की है किस टॉपिक पे चर्चा हुए किसानों के टॉपिक पे चर्चा हुए राजनीति के टॉपिक पे चर्चा हुए साथ में आने की चर्चा हुई है टिके साहब के साथ राजनीतिक बात हमने कभी की नहीं ना करें के साथ टिके साहब की लड़ाई किसानों की लड़ाई है हम उनके साथ रहे। जब ये वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे तब भी मर गया था और हमेशा पार्लियामेंट में हमने लड़ाई लड़ी है जब ये जंतर मंतर पर किसान बैठे थे पंचायत हम वहाँ भी जाकर बैठे थे सबको मालूम है तो ये लड़ाई सबकी है किसी एक पार्टी की नहीं है
तो अगर राजनीति में तो दोनों के गले में सफरन कलर है, केसरिया कलर है, इसका मतलब क्या है? समाज का कलर है। आपको क्या तकलीफ है इस कलर से? समाज का कलर है, देश का कलर भी, ये देश का रंग है। शिवसेना यूपी चुनाव में बताना चाहता हूँ, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि से आया हूँ और टिकैत साहब का परिवार का छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार यूपी चुनाव पर आया। भाई बात सुन लो यार, आए हैं उन्होंने वहाँ से पगड़ी दी जो महाराष्ट्र की है, एक सम्मान करा, और जो किसान आंदोलन दिल्ली में चला उसके संबंध में आए, और बहुत दिन से उनका आने का प्रोग्राम यहाँ पर था, तो वे आ जाए यहाँ पे और मिले आन के, उन्होंने महाराष्ट्र की पगड़ी जो शॉल है वो दिया, और वे किस्म से जो आंदोलन हुआ है तो उसके उसमें उन्होंने दिया। अच्छा, महाराष्ट्र के मंत्री से भी आपकी बात हुई है? बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र आओ और जो हमारी पॉलिसी है वो भी आप देखो, तो महाराष्ट्र के किसानों के उसमें जाएंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री से भी वहाँ की पॉलिसी के संबंध में वहाँ की जो हो रहे हैं वो जाएंगे, तो उनसे चर्चा बिल्कुल करेंगे। विधानसभा चुनाव है हाँ, 5 साल में भाई आया ही करे विधानसभा चुनाव, ये पॉलिटिकल त्यौहार है, 2 महीने चलेगा, ये फेस्टिवल है, पॉलिटिकल फेस्टिवल इसको बोलते हैं, ये 2 महीने चलेगा। हमारा नियम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। अरे टिकट मांगने का सबको हक है भाई, जो वोट दे रहा उसे टिकट मांगने का भी हक है। टिकट ये तो टिकट मांगना, लड़ना, वोट देना ये तो मौलिक अधिकार मानता है, सबका अधिकार है। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन का नहीं है हमारा। अगर वो लड़ेंगे तो वोट करोगे आप? नहीं, हमारा कोई मूवमेंट का आदमी ना चुनाव लड़ रहा ना हम चुनाव लड़ रहे, और संगठन की तरफ से कोई नहीं है। जिसका भी चुनाव है वो व्यक्तिगत चुनाव होता है या किसी पार्टी का होता है। अरे